This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So welcome back to the another video of the Finvest. देखिए आज हम क्या करेंगे कि आज निफ्टी, देखिए मैंने आपको कल क्या कहा था, मैंने दो कंडीशंस आपको कल निफ्टी के लिए बताई थी. आप बटन पे क्लिक करके आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या दो कंडीशंस बताई थी. पहली मैंने बताई थी जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ऐसी पैटर्न में फिर से ये ऐसे करते करते आगे बढ़ जाए. दूसरी मैंने पॉसिबल कंडीशन बताई थी कि यहां से एक ये जो है एक हल्का सा शार्प रिवर्सल ले. ये कंडीशन आपको याद होगा लेकिन इसको फुलफिली जो है फुलफिल तो इसने किया नहीं निफ्टी ने, बट कहीं हद तक यही कंडीशन में देखने को मिली. यहाँ से जो है बियरिश होकर मार्केट डाउन आ गया. मैंने बियरिश के लिए तो नहीं कहा था, हम इतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि मार्केट आज बियरिश हो जाएगा, बट हाँ हमने एक चीज़ कही थी कि यहाँ से एक शार्ट टर्न ले सकता है. तो हर बार हम सही नहीं हो सकते बट कुछ हद तक हम सही थे. अब आप निफ्टी की बात करें तो कल के लिए निफ्टी क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं. सो 9 जून के लिए पॉसिबल क्या कंडीशंस हो सकती है निफ्टी की. देखिए निफ्टी ने आज जो मूवमेंट दिखाया है ये पहले कभी नहीं दिखाया. पहले क्या मतलब अभी के टाइम में, अभी जब ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, या तो ये इस टाइप का मूवमेंट दिखा रहा है या ये इस टाइप का मूवमेंट दिखा रहा है. इस टाइप का अभी जो इसने मूवमेंट आज दिखाया वो इस टाइप का मूवमेंट दिखाया है, ये जो पैटर्न है. अब अगर यहां से हम देखें इस टाइप का मूवमेंट है तो हम इसे कंटिन्यू करते हुए दो चीज़ लगा सकते हैं. या तो ये इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए हल्का सा डाउन फिर ऊपर, हल्का सा डाउन फिर ऊपर वेव के फॉर्म में बढ़ने लगे जैसे यहाँ पर बढ़ रहा था. दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ये जो है यहाँ पे रेड कैंडल ने जो है अच्छा खासा इसे डाउन लाया था, उसके बाद हल्का हल्का करके ये बढ़ा. तो हो सकता है कल अगर नहीं हो पाया, ग्रीन कैंडल नहीं बना पाई अपने जो जगह यहाँ पे, तो रेड कैंडल बनाते हुए ये डाउन भी आ सकता है. ये चीज़ भी हो सकती है, वरना अब तो ये जाएगा ही. अगर ये वेव की फॉर्म में जाएगा तो ये अप ही जाएगा. इस चीज़ में आपको ध्यान के रखना है फ्लैट मार्केट का. अगर फ्लैट मार्केट चल रहा है तो स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ये मैं बार बार बोलता हूँ. चलिए अब बात कर लेते हैं. देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको लेवल्स अपलोड किए थे सुबह सुबह. पहला था हमारा यूपीएल टाटा स्टील और टाटा कम्युनिकेशंस के लेवल चेंज किए थे, आपको याद होगा. अगर नहीं होगा, अगर आप न्यू इस वीडियो में, तो मैं बता दूं कि जब भी स्टॉक का लेवल जो मैं देता हूं, अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं अपना लेवल चेंज कर देता हूं. सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा हमारा, आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा. क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे रीज़न कि मैं टेलीग्राम चैनल पे जो अब लेवल्स अपलोड करता हूँ, देखिए मॉर्निंग में ही मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, मैं यूट्यूब पे लेवल्स नहीं देता हूँ. रीज़न बिंग कि अगर जो मेरे को लेवल चेंज करना होता है तो मैं अपना लेवल जो है टेलीग्राम चैनल पे इजीली चेंज कर सकता हूँ. मुझे बार बार यूट्यूब से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर कहीं टेक्स्ट में जो मैंने कॉपी किया होता है वहाँ से देखने की जरूरत नहीं पड़ती. वो इजीली एडिट हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, क्योंकि हमें सिर्फ 8 मिनट का टाइम मिलता है अपने सारे लेवल्स को चेंज करने के लिए, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. बाकी मैं मॉर्निंग में लेवल्स इसलिए भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि जो है मॉर्निंग में काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि मार्केट का क्या वो रहेगा, उस हिसाब से हम अपना ट्रेंड सेट कर लेते हैं. टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील आप जो है मैंने इसको बाय करने के लिए बोला था 1135 पे, स्टॉप लॉस बोल रहा था 1126, टारगेट बोल रहा था 1140, 1155, 1165. बाय साइड की कॉल हमारी ट्रिगर नहीं हुई. शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था 1125, टारगेट था इसका 1100 तक लास्ट टारगेट प्राइस था. अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सीधा सीधा आपको लेवल दिखा देता हूँ 1125 याद रखिएगा. यहाँ पे देखिए ये है 1125. अब एग्जैक्ट 1125 पे अगर मैं आपको शॉर्ट करने के लिए बोलूँगा तो आपको 1125 पे नहीं 1124 पे करना है, यानी कि जब 1125 से नीचे जाने लगे वाली तब अपना जो स्टॉक है उसे शॉर्ट करके चलेंगे. वैसे यहाँ पे भी करना था, शॉर्ट किया होगा आपने. इसने अपना लो बनाया 1100 का, यानी कि तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए होंगे. टाटा कम्युनिकेशंस आइए पहले मैं आपको लेवल्स बताऊं इसका. 1240 पे से बाय करना था, 1225 पे से शॉर्ट करना था. आइए यहाँ देख लेते हैं. 1240 पे यहाँ पे जो था फर्स्ट टाइम इसे बाय करना था. फर्स्ट टाइम बाय करने के बाद इसने अपना एक ही टारगेट प्राइस अचीव किया जो कि था हमारा 46 का. यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस है 46 का, और शॉर्ट सेलिंग की साइड है हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस 1220 का, और आखिरी टारगेट प्राइस है 1200. टाटा कम्युनिकेशंस में हमारा एक ही टारगेट प्राइस अचीव हुआ है बाय साइड का, फिर दोबारा से कॉल एक्टिवेट भी एक टारगेट प्राइस अचीव हुआ, फिर से ये इस लाइन पे आया, फिर जाके एक टारगेट प्राइस अचीव, यानी तीन बार एक एक टारगेट प्राइस अचीव हुए हमारे. रीजन बिंग अपना जो स्टॉप लॉस है, हम हमेशा कहते हैं कि अपना स्टॉप लॉस आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस पे जैसे आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होगा. नो मैटर जो स्टॉक है फ्लक्चुएट कर रहा है क्या कर रहा है, आपको वेट नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है. क्योंकि अगर स्टॉक जो है रिवर्सल मारता है तो आपको फायदा होगा, जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपसे जाएगा नहीं. वहीं शॉर्ट सेलिंग की साइड यहाँ देखिए, एट दी एंड में इसने अपना एक टारगेट प्राइस अचीव किया शॉर्ट सेलिंग साइड. इसने अपना लो बनाया है 1220 का हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस था, और सेकंड टारगेट प्राइस था हमारा 1210 का, बट 1210 तक ये नहीं पहुंचा, एक ही टारगेट प्राइस ने अचीव किया. यहाँ पे भी आपको फायदा हुआ होगा अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करने का. जब फ्लैट मार्केट पे जो स्टॉक चलता है उसमें अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करने का आपको फायदा मिलता है. यूपीएल की मैं बात करूँ, यूपीएल हमें बाय करके चलना था जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था.
852 पे हमें से बाय करके चलना था। यहाँ पे देखिए 852 का लेवल, यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन खींच रखी है वहाँ पे पहले से। 852 यहाँ से बाय करते ही ये इसने अपना हाई बनाया 64 का, और मैंने इसका जो सेकंड टारगेट प्राइस दिया था वो दिया था 860 का। यूपीएल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है, स्टॉक जो है अलाउड करता है सबको, ब्रोकर जो है अलाउड करता है यूपीएल को, इसलिए मैंने यूपीएल दिया था। आजकल इसमें मूवमेंट अच्छा नहीं है, बट ठीक है। तो UPL में दो टारगेट प्राइस बाई साइड के हमारे इजीली अचीव हो गए थे। बाकी अब मैं बात करूँ अब हमारे जो मिड कैप के स्टॉक्स थे जिनको जानने के लिए बहुत सारे लोग जो है उत्सुक हैं। सबसे पहला स्टॉक था हमारा JK Lakshmi। JK Lakshmi मैंने दिया था आपको व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं मिड कैप के स्टॉक्स के लिए। मैं मिड कैप के स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ जिनमें आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे आज आप मैं JK Lakshmi की बात करूँ, 20 points ही आपको देखे गया है। अगर आप 500 का स्टॉक है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो JK Lakshmi देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपको इसका लेवल बताऊँ एग्जैक्ट, टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया इससे लेवल, आप जाके चेक कर सकते हैं। JK Lakshmi का जो हमारा बाई साइड था वो था 590 का, शॉर्ट था हमारा 575 का। अब देखिए यहाँ पे 575 का शॉर्ट था, 574 पे मोस्ट प्रॉब्ली 574.50 पे आप इसे शॉर्ट करके चलते हैं। स्टॉक छोटा था तो एक पॉइंट तो नहीं ले सकते, बट 574.50 पे आप इसे शॉर्ट करके चलेंगे। तो यहाँ से शॉर्ट करके गया होगा, इसने अपना लो बनाया है 500 मान के चलिए 52 या 550 का, तो 25 points ही आपको देके चलेगा। मिनिमम मैं 20 मान रहा हूँ क्योंकि ये जो था होल्ड इसने यहाँ पे लिया, बट 25 points ही आपको देके चले गया था, तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे भी देखने को मिल गया था। लवरूज लैब में मैं बात करूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले वीडियो बनाई थी, उसमें ये रह गया होगा, बट हाँ यहाँ से आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमें इसे बाय करके चलना था, यहाँ पे मैं आपको अगर इसका लेवल दिखाऊं, ये देखिए 576 का शॉर्ट सेलिंग का लेवल छोड़ दीजिए क्योंकि शॉर्ट सेलिंग का हमारे जो थी कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। 576 हमें बाय करके चलना था, टारगेट था 579, 584, 590। अब यहाँ पे देखें हम चार्ट में, यहाँ पे इसकी बाइंग प्राइस एक्टिवेट हुई जैसे हमारा जो था स्टॉक खुला। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप बाइंग प्राइस के बाद भी बाय कर सकते हो जब तक फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव नहीं होता, इवन फर्स्ट टारगेट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हो। कंडीशन क्या है, जब भी आप बाय करो अपने जो है फर्स्ट टारगेट प्राइस के बाद, तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आपको वही नहीं रखना है जो मैंने दिया होगा। अब आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है जो आपका था, आपको 576 से इसने अपना हाई बनाया 640 का, तो इजीली आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें देखने को मिल गया। बाकी आखिरी स्टॉक था हमारा रेडिको। रेडिको की मैं बात करूँ, रेडिको में हमें देखिए उम्मीद थी आज अच्छा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन इसमें खाली बाई साइड का एक टारगेट प्राइस अचीव हुआ, शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइस अचीव हुए। इसमें उम्मीद मेरे को काफ़ी थी, लेकिन हाँ कल भी मैं स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा, जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट करेगा अच्छा खासा आपको रिटर्न देके जाएगा। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मिड कैप के स्टॉक्स के लिए, और मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है आपके स्टॉक्स का लेवल अपलोड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में जब आपका स्टॉक का लेवल अपलोड होगा तो ध्यान रखिएगा आपको 914 पे दोबारा चेक करना है कि उस लेवल में कुछ चेंजेस तो नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर गैप है ओपन हुआ है तो मैं उसे चेंज जरूर करूंगा। हो सकता है एक स्टॉक छूट जाए लेकिन बाकी के स्टॉक्स में चेंज कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।